Hey guys, welcome back to Daily English with me once again. So friends, in this video we are going to learn 25 new English sentences. So let's continue with first sentence. मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ. I can't hear you. I can't hear you. Next है, तुम अच्छा कर रहे हो. जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है और हमें उन्हें appreciate करना होता है तो हम इसे English में बोल सकते हैं. You are doing well. You are doing well या फिर you are doing better ऐसे भी हम बोल सकते हैं. तुमने मुझे मेरे बेटे की याद दिला दी. जब किसी को देख के हमें हमारे अपने की याद आती है. सपोज आपको कोई लड़के को देख के अपने बेटे की याद आ गई तो आप बोल सकते हो You remind me of my son या फिर अपने बेटे के बारे में बोलना हो तो You remind me of my daughter तुमने मुझे मेरी बेटी की याद दिला दी. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. वह कहीं और गया. He went somewhere else. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने का कभी नहीं सोचा. I never thought to hurt you. तुम ऐसा क्यों कह रहे हो. तो इसे बोलते हैं Why are you saying so? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी मॉम ने मुझे कई बार मना किया पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ी हूँ. कई बार क्या होता है कि कोई हमारे कोई डिमांड होती है या फिर हमें कोई चीज़ देनी होती है. जैसे मान लो हमें कोई नया मोबाइल चाहिए होता है और मम्मी बहुत बार हमें मना भी करती है कि नया मोबाइल नहीं मिलेगा. तो हम जब तक वो हमें नया मोबाइल नहीं मिलता या फिर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम उनके पीछे पड़े रहते हैं. तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे. My mother has denied many times but I am still after her. Deny means किसी बात को मना कर देना. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस. क्या तुम साथ आओगे. जैसे कि हम किसी से पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ आओगे. Will you come along? क्या तुम साथ आओगे. क्या वहाँ कुछ चल रहा है. Is there something going on? नेक्स्ट है, उसके साथ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है. There is no need to talk to her. वो तुम्हारी घर की तरफ क्यों आती है. Why does she come towards your house? वो तुम्हारी घर की तरफ क्यों आती है. हम ऐसा कई बार बोलते हैं कि मैं बस इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहती हूँ या फिर मैं बस इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहता हूँ. तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं I just want to get rid of this trouble. सपोज आप मुंबई में रहते हो और आपका कोई फ्रेंड मुंबई देखने के लिए आया है और आप उसको मुंबई घुमा के लाते हो और आप उसको पूछते हो कि आपको मुंबई कैसी लगी. तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं How did you find Mumbai? आपको मुंबई कैसी लगी. नेक्स्ट है, क्या तुम मुझसे डरते हो. Are you scared of me? नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे मामले में नहीं पढ़ना चाहती. I don't want to dwell into your matter. नेक्स्ट है, इस मामले को किसी तरह सुलझाओ. Solve this matter somehow. नेक्स्ट सेंटेंस है, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दो. Please give me a glass of water. नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम खामखा परेशान हो रहे हो. इसे बोलते हैं इंग्लिश में You are dressed for no reason. नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे गुस्सा आ रहा है. I am feeling angry. नेक्स्ट सेंटेंस है, कान पकड़ के उठक बैठक करो. जैसे कि हम बच्चों को कभी कभी बोलते हैं एज अ पनिशमेंट कान पकड़ के उठक बैठक करो. तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं Do sit-ups holding ears. नेक्स्ट सेंटेंस है, वो वहाँ किसके साथ थी. With whom was she there? नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं ट्रेन में चढ़ी. I got in the train. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं I got on the train. वो मेरे साथ है. She is with me.
फिर आपको ऐसा बोलना हो वो मेरे साथ थी पास्ट टेंस में, तो हम बोल सकते हैं शी वॉज विथ मी, शी वॉज विथ मी। और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है वो कभी कभी आती है, शी रेयरली कम्स हियर, शी रेयरली कम्स हियर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डेली रूटीन में यूज़ होने वाली कुछ सेंटेंसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ डेली अपलोड करती रहती हूँ। और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।